आपका अपना चैनल पैंथर 11। इस वीडियो में हम बात करने वाले सीबीए बास्केटबॉल के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज जो इवनिंग में सीबीए का मैच खेला जाएगा यहाँ पे ड्रैगन्स वर्सेस आपको ब्लू व्हील्स के साथ, यह मैच होगा 5 PM। इस वीडियोज में गाइज एसएल और जेल के रिगार्डिंग बात करने वाले। सबसे पहले गाइज हम बात कर लेते हैं दोनों टीम की जो स्टैंडिंग इस सीजन में है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू ड्रैगन्स की टीम 12 नंबर पर स्टैंडिंग है, जिन्होंने 39 मैचेज में 17 मैच जीती हुई, 22 मैच इनका लॉस रहा। सेकेंड टीम की गाइज हम बात करते हैं ब्लू व्हील्स की, तो गाइज ये आपको 16 नंबर पर नजर आएगी और इन्होंने 39 मैचेज में 12 मैच ओनली जीती हुई, 27 मैचेज लॉस की हुई। हेड टू हेड मुकाबले में भी गाइस यहां पे आपको ड्रैगन्स की टीम बेहतरीन परफॉर्म करके आ रही है। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम की तरफ से जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। बट गाइस फाइनल एसएल टीम के लिए आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि गाइस यहां पे मिलने वाली आपको फाइनल एसएल टीम आपको यहां पे सभी फॉर्मेट में टीम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लिंक गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो हमारी टीम से, या टेलीग्राम चैनल में भी जाते हो तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम के जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी, तो यहां पे आप देख सकते हो जो आपको ड्रैगन्स की टीम लास्ट में जो परफॉर्म करने आई थी, तो इनके तरफ से जो परफॉर्म करने आए थे ये लास्ट मैच वैसे विन करके आ रही है। इनके तरफ से परफॉर्मर जो स्टार्टर जो थे एलजाओ, जिन्होंने 43 मिनट प्ले किया हुआ था, 11 पॉइंटर कनेक्ट हुए थे, 3 रिबाउंड 1 ब्लॉक 1 इनके स्टिल थे, अच्छा खासा परफॉर्म इनका भी रहा था। स्टार्ट किए थे बड़कले जो टीम के बेहतरीन परफॉर्मर, 41 पॉइंटर कनेक्ट हुए थे, 5 इनके रिबाउंड 7 असिस्ट 1 इनके ब्लॉक थे। गाइज यहाँ पे जेड लिव की हम बात करते हैं 31 मिनट्स प्ले किए थे, 4 पॉइंटर 2 रिबाउंड 5 असिस्ट इनके थे, और जी यू की हम बात करते हैं 23 मिनट्स प्ले करते हुए नजर आए थे, 14 पॉइंटर 4 रिबाउंड 2 इनके स्टिल थे। वाईयू की हम बात करते हैं 7 पॉइंटर इनके कनेक्ट होते, 1 इनके रिबाउंड थे, 1 इनके ब्लॉक थे। बेन से प्ले करने आए थे गाइस यहाँ पे SU1, जिन्होंने 29 मिनट्स प्ले किया था, 9 पॉइंटर 3 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 इनके स्टिल थे। डी विलियम्स जिन्होंने 90 मिनट्स प्ले किया था, 4 पॉइंटर 9 रिबाउंड 1 इनके ब्लॉक थे, 2 इनके स्टिल थे। MU की हम बात करते हैं गाइस 90 मिनट्स प्ले करते हुए नजर आए थे, 3 इनके पॉइंटर थे। गाइस यहाँ पे XQ की हम बात करते हैं 17 मिनट्स प्ले किए थे, 13 पॉइंटर 6 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 इनके स्टिल थे। सेकेंड टीम की गाइस हम बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लू व्हील्स की टीम लास्ट में जो ऐसे लॉस करके आ रही है, और इनके तरफ से जो परफॉर्म करने आए थे यहाँ पे जाइयोंग, जिन्होंने 40 मिनट्स प्ले किया था, 18 पॉइंटर 5 रिबाउंड 4 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। एक्स हॉन्ग की हम बात करते हैं 36 मिनट प्ले किए थे, 10 पॉइंटर 5 रिबाउंड 2 असिस्ट इनके थे। जेड जियो की हम बात करते हैं 29 मिनट्स प्ले करते हुए नजर आते, 6 पॉइंटर 3 रिबाउंड 4 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। गाइस एम विल की हम बात करते हैं 23 मिनट्स प्ले किए थे, 13 पॉइंटर 2 रिबाउंड 3 असिस्ट इनके थे। आरसू जो थे वो स्टार्ट किए थे बट गाइस इनको चांस ज़्यादा नहीं मिला था, 4 मिनट ही प्ले कर पाए थे और 1 इनके स्टील थे। बेन से प्ले करने आए थे एक जाओ, जिन्होंने 36 मिनट प्ले किया था, 13 पॉइंटर 18 रिबाउंड इनके थे, 2 इनके स्टील थे। क्राउफोर्ड जो 18 मिनट्स प्ले किए थे, 21 पॉइंटर 4 रिबाउंड 2 इनके असिस्ट से। जेड जैंग की बात करते हैं 17 मिनट्स प्ले करते हुए नजर आए थे, 4 इनके रिबाउंड थे। जे ल्यू की हम बात करते हैं 15 मिनट्स प्ले किए थे, 8 पॉइंट 1 रिबाउंड 1 इनके असिस्ट से। और यहाँ पे TU1 की हम बात करते हैं 15 मिनट्स प्ले किए थे, 5 पॉइंट 1 रिबाउंड 4 असिस्ट इनके थे, 2 इनके स्टील थे। अब गाइस बात करते हैं आज के मैच में जिस प्लेयर्स को पिक करेंगे पॉइंट गार्ड सेक्शन से, यहाँ पे TU1 रहने वाले जो स्टार्ट करेंगे अच्छे खासे परफॉर्मर है, अपने टीम में लेकर के जा सकते हो। जाइलोंग की बात करते हैं, ये गाइस आपको बेन से प्ले करेंगे, 10.5 कैट में अवेलेबल है, ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। और यहाँ पे जयोंग की हम बात करते हैं 10 कैट में अवेलेबल दिख जाएंगे आपको, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जयोंग की जो आपको 6.5 कैट में अवेलेबल दिखेंगे। शूटिंग गार्ड से हम बात करते हैं बार कर ले जो SP के लिए अच्छे चॉइस बन सकते हैं, अपनी टीम में इनको लेकर के जा सकते हो। SP के लिए अच्छे चॉइस रहने वाले हैं व्हील की हम बात करते हैं, व्हील आपको जो है ये स्टार्ट किए थे बट इनकी भी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही थी। यहाँ पे जानवी की हम बात करते हैं लास्ट मैच प्ले नहीं करके आ रहे, योकोंग जो आपको 5 कैट में अवेलेबल दिख जाएंगे, ठीक ठाक ऑप्शंस बन सकते हैं। स्मॉल फॉर से हम बात कर लेते हैं, स्मॉल फोर्ड से गाइज आपको क्रॉफर्ड दिखेंगे जो बेन से प्ले करेंगे, क्रॉफर्ड भी अटैकिंग प्ले करते हैं, तो ये गाइज आपको 14.5 किट में अवेलेबल है। क्रेडिट मैनेज के लिए भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, अपने टीम में इनको लेकर के जा सकते हैं। XU1 की हम बात करते हैं 7.5 किट में अवेलेबल रहेंगे, और SCN की हम बात करते हैं 7.5 किट में अवेलेबल ये भी दिख जाएंगे। JQ की हम बात करते हैं 6 किट में रहेंगे, MGO 5.5 किट में दिखेंगे। पावर फोर्ड से हम बात कर लेते हैं हडाडी, बट गाइज हडाडी लास्ट मैच प्ले नहीं किए थे, आज के मैच में अगर अवेलेबल होते हैं तो गाइस इसकी अपडेट्स आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। डी विलियम्स आपको बेन से प्ले करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जेड जाउट रहने वाले 8 किट में अवेलेबल रहेंगे, YC रहेंगे जो 6 किट में अवेलेबल है। सेंटर से हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे KU रहने वाले जो 13.5 किट में अवेलेबल दिखेंगे। सुई जियाओ की हम बात करते हैं 11 किट में आपको अवेलेबल दिखेंगे। आरजू जो आपको 6.5 किट में ये भी ठीक ठाक ऑप्शन होने वाले हैं, और JDU1 की हम बात करते हैं 5.5 किट में अवेलेबल दिखेंगे, अच्छे ऑप्शन बनने वाले हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम के तरफ से जो आज की हमारी जो सेट टीम प्रीव्यू रहने वाली है उसकी रिगार्डिंग हम बात करते हैं। इससे पहले गाइस फाइनल एसएल टीम के लिए आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हमारे टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको स्क्वाड प्लस फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड किए जाते हैं। लिंक आपको मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो।
और गाइस यूट्यूब अभी अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बास्केटबॉल की वीडियोज़ मिल जाएंगे और सभी की टीम गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलते हैं, इसलिए मिस मत कीजिएगा। सेट टीम प्रीव्यू की हम बात करते हैं। TU1 को मैंने टीम मिली हुआ जो स्टार्ट करेंगे, और जो यंग को जो मैंने क्रेड मैनेज के लिए ट्राई किया बार के लिए हमारे SP रहने वाले स्टार्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पर क्राफोर्ड जो आपको बेंच से प्ले किए थे लास्ट में, जो वैसे अच्छे परफॉर्मर अपने टीम में लेकर के जा सकते हो। डी विलियम्स की हम बात करते हैं, विलियम्स भी ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। जेट जाओ ये आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, और सुइजोंग की हम बात करते हैं सेंटर से स्टार्ट करेंगे। आरसू अगर स्टार्ट करते हैं तो मच बेटर है, अगर नहीं करते तो इनको ड्रॉप करके इनके रिप्लेस में हम दूसरे प्लेयर्स को पिक करेंगे जो आपको यहाँ पे पावरफुल से दिख जाएंगे। अब गाइज हम बात कर लेते हैं, वैसे ये हमारी सेट टीम रहने वाली, सेट की कर लेना फाइनल टीम के लिए। गाइज मैंने लिंक दे दिया आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। हमारी टीम से बिल्कुल फ्री टीम होती है, इसलिए मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक का पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।